हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में स्वागत है। और आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर की एडिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। किसकी याद में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी खबर बात करेंगे, नाबार्ड ने चलाया जीवा प्रोग्राम, जीवा प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। और तीसरी खबर है, हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के बने हैं नए मुख्य न्यायाधीश। तो ये कौन बने हैं, किसकी जगह बने हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। ये सरोजनी नायडू की याद में मनाया जाता है। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। ये एक लेखिका भी थी और इसके साथ साथ इन्होंने आजादी के जो आंदोलन हुए थे उनमें अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दिया था। तो क्या है, 1925 की बात है, तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और पहली राज्यपाल बनने वाली महिला भी सरोजनी नायडू हैं। इसको बार्ट कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इसको ये उपाधि मिली है। तो अब बात करते हैं नाबार्ड। नाबार्ड क्या होता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की, ये एक राष्ट्रीय बैंक है जो कि ग्रामीण और खेतीबाड़ी के लिए समर्पित है। ये बैंक सहयोग करता है। तो इसने एक जीवा प्रोग्राम चलाया है। जीवा प्रोग्राम क्या है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने ये प्रोग्राम चलाया है ताकि जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा रह सके। तो ये प्रोग्राम की शुरुआत 11 राज्यों में की है। और इसके साथ ही बता दें आपको, जो नाबार्ड हैं, नाबार्ड के अध्यक्ष इस समय पर कौन हैं, गोविंदा चिंताला जी हैं। और इसकी स्थापना, मेन जो ऑफिस है इसका, हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। उसके बाद बात करते हैं आज की लास्ट करंट अफेयर की, जो मद्रास हाई कोर्ट है उसके नए न्यायाधीश बनाए गए हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, जो कि संजीव बैनर्जी के स्थान पर बनाए गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।